हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज धनतेरस है और सभी आप सभी को धनतेरस की और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैंने सोचा कि चलो मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग। और आज धनतेरस भी है और आज और कल मतलब छोटी दिवाली है, परसों मतलब बड़ी दिवाली नहीं दिवाली है। और अभी मैंने बात ले लिया है और जस्ट मैं पूजा वगैरह करके मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और आप देखिए पीछे शैडो बन रहा होगा। तो गाइस यही अपडेट है अभी तक का। और मैंने जस्ट वेलकम करने के लिए मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि एटलीस्ट मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि रात को मैं बस क्योंकि फुल डे मतलब मैं बिजी थी, क्योंकि दिवाली की अभी साफ सफाई अच्छे से चल रही है तो इसलिए मैं बिजी थी। और इसलिए वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इतनी बिजी हूँ ना मैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है मैं ब्लॉग शूट करूँगा। मैं क्या साफ सफाई में आपको क्या दिखाऊँ, है ना? अब सबके घर में साफ सफाई हो रही है, अभी तो दिवाली का टाइम है। तो बस इसीलिए बिजी थी और मैं अब ब्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा था कंटिन्यू। तो गाइस फिर अब आएगा कंटिन्यू अभी और सभी साफ सफाई होगी। मतलब जब तक दिवाली नहीं आता है कुछ ना कुछ काम रह जाता है, तो यही है, यही हो रहा है। और आप देख सकते हो कितने सारे बुक्स फाइल्स वगैरह पर, और यही है गाइस। और ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके, फिर मैं आ जाऊंगी किचन में। तो मम्मी तो सब्ज़ी काट चुकी थी, फिर मैं जो बच गए चपसी सब्ज़ी वो मैं काट लूँगी। और साथ में मेरा बन रहा है काबुली चने का छोला। चलो मैं आपको दिखाती हूँ ये छोला, देखिए। तो गाइस माइंड मत करना, किचन फैला पड़ा है और आपको जो दिख रहा होगा ब्राउन वो नहीं जाता है, पता नहीं कैसा वो लगा हुआ है स्टेन। और गाइस मैं अभी ये क्या बोलते हैं अभी कट कर रही हूँ, साथ में मैं छोले भी देख रही हूँ, जल तो नहीं रहा है। बस मैं मम्मी का हेल्प करूँगी आज, बस मैं यही काम है आज। तो फिर आ जाऊँगी मैं रूम में और रूम की भी साफ सफाई करूँगी। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी सभी चीज़ें हो जाए, लेकिन हो नहीं पाती क्योंकि एक दिन में मतलब सभी चीज़ अरेंज नहीं हो पाती है। साफ़ सफाई तो हो जाता है पर अरेंज करने के थोड़ा टाइम लग जाता है, तो फिर मैं वही करूँगी आप देख सकते हो। और पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, वॉइस ओवर दे रही हूँ, वॉइस कट कट के आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों आ रहा है ऐसा। तो फिर मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, देन मैं लगे हाँ झाड़ू भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा ही लगता है कि मैं डस्टिंग करूँ फिर मम्मी झाड़ू वाड़ू करे, तो मुझे थोड़ा पसंद नहीं है क्योंकि मम्मी बाबू को देखेगी और फिर मैं काम करूँगी, अगर मैं काम बाबू को देखूँगी फिर मम्मी काम करेगी, मतलब ऐसे काम करना पड़ता है क्योंकि पापा भी पूजा कर रहे हैं तो फिर अभी हम दोनों को भी देखना है, तो वही होगा एक्चुअली, यही होता ही है। छोटे बच्चे हैं ना तो मतलब उन्हें भी संभालना होता है, एक लोग संभालेंगे या फिर एक लोग काम करेंगे, कभी पापा संभालेंगे फिर हम दोनों करेंगे, क्योंकि दिवाली के टाइम है तो मम्मी के साथ में अकेले मम्मी कितना कर पाएंगी, है ना? मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं ही हेल्प करूँगी और है कौन घर में हेल्प करने के लिए, तो यही है। उसके बाद में अभी मैं फटाफट से कर ले रही हूँ क्योंकि मम्मी बोली अभी बाबू का मतलब मूड ठीक है तो कर लो, अगर ऑफ हो गया तो बस वो कुछ भी काम नहीं करने देगा कि छोटा बच्चा है ना, तो बस यही है। फिर दौड़ के वो नानी के पास में जाएगा, नानी है बस गोदी में लेके रखी है, नानी गोदी जाना नानी गोदी जाना, दिन भर यही रहता रहता है नानी गोदी। और उसको नानी से मुझसे भी ज़्यादा प्यार उसको नाना और नानी से, वो मेरे साथ रात को मेरे सोता था मम्मी के साथ सोना है पर वो नानी के साथ ही, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है नाना नानी के साथ में रहना, तो वो हमेशा नाना नानी के साथ में ही रहा है शुरू से लेके अभी तक, तो उसे अच्छा अभी भी उसके नाना नानी के साथ में ही अच्छा लगता है। और मैं फटाफट से कर लूँगी ताकि मतलब काम हो जाए, निपट जाए। एक बॉल मिला मुझे बाबू का तो मैं उसे दे रही हूँ। तो यही है गाइस, और आप लोग पता ना कि अब क्लीनिंग हो गई, सब हो गया, फिर मेरे पापा भी आ जाते हैं पूजा करके, आप देख सकते हो। रहे हैं शाम के 4 और आपको देखने से लग रहा होगा, देखिए बिल्कुल भी मतलब बादल बादल लगा हुआ है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो अभी भी जाऊंगी मार्केट और धनतेरस के लिए कुछ चीज़ें भी जो लेनी होगी वो मैं लूँगी। तो गाइस चलिए मेरे साथ। ये है मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई है और ये है गोलू, तो हम दोनों साथ में निकल गए हैं। आपको साइड से देखिए बांध दिख रहा होगा, मैं आपको बांध भी दिखाऊंगी, बांध के नीचे कैसा व्यू है मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि हम लोग छठ पर्व जो होता है उसके नीचे ही ये नदी है इस बांध के नीचे, तो वहीं पे होता है तो आप देख सकते हो। तो वही हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं फिर हंस रहे हैं, तो अब देखिए व्यू कितना प्यारा लग।
तो एक्चुअली देखिए कितनी अच्छी अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और देखने के लिए सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने क्रैकर्स वगैरह लिए, ये मैंने अपना सामान यहीं पे रख दिया है। और देखिए भैया हम लोग कुछ निकाल के दे रहे हैं, अभी कितना शाम हो गया और डस्ट देखिए कितना ज़्यादा है। और फिर मैं आने के बाद मैं पूजा करूँगी, पूजा में 13 दिया निकालने चाहिए और एक यम दिया भी होना चाहिए 13 दिया में। तो मैंने हाथ से सभी दिया बनाया है क्योंकि मिट्टी के दिए में हाथ से बना के ही करना और आज के दिन शुभ होता है। तो यही है गाइस, फिर आपको मिलती है मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।